हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हमारी बेटी का एक महीने का जन्मदिन, आज जो पूरे एक महीने की हो चुकी है। तो आज हमने डिसाइड किया है कि हम पूरा घर डीप क्लीन करेंगे जैसे दिवाली में किया जाता है। मेरे लिए तो दिवाली से कम नहीं है आज का दिन। और बस अभी हम लॉन्ड्री के लिए कपड़े सेग्रीगेट कर रहे हैं और ये कबर्ड सेट कर रहे हैं। नीचे हमने फ्लोर और किचन क्लीन कर दिया है। अब बाकी थोड़ी छोटी मोटी और सी रहती है क्लीनिंग, उसके बाद होगा वेदा का शावर टाइम। अभी उसकी मासी उसको मसाज कर रही है और आपको मिलेंगे अब हम थोड़ी देर में। देखते आज क्या होगा। वैसे तो इतना कुछ प्लान नहीं है क्योंकि बहुत सारी सफाई करने के लिए, बट अगर थोड़ा टाइम बचा तो क्या पता हम थोड़ी छोटी मोटी सेलिब्रेशन भी करें। न्यू मॉम हैक सिखाती हूँ। अगर तुम्हारे पास पूरा ये है ना केस डायपर का, ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज ऐसे बीच से फाड़ा, ऐसे करा, देखो रोहिणी क्या बात है यार। एक पूरा डब्बा एक ड्रॉर में। मान गए तुम्हें तो मान गए। तो मैं फाइनली नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ क्योंकि हमारा झाड़ू पोछा सारा हो चुका था डस्टिंग, तो मुझे लगा नहा देना चाहिए क्योंकि अब तो सिर्फ कपड़े फोल्ड करने हैं। लॉन्ड्री साफ कपड़े ही है तो उसमें तो गंदे होने से रहे। जाती हूँ अब मैं त्यागी जी को चेक करने के लिए क्योंकि मैंने नहा धो के आज वेदा को मैंने और त्यागी जी ने नहलाया था तो उसे नहा धो के रख दिया था। कपड़े चेंज कर दिए थे, मैंने कहा था नहाने के बाद बच्चे बहुत अच्छे से सो जाते हैं धूप में तो सुला दो। मैं बस नहा के आई तो अब जाके उनके ऊपर चेक करते कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि कमरे से कोई साउंड नहीं आ रही है मुझे। तो माई गैस इज शायद दोनों ही सो रहे हैं, बट सोना तो नहीं चाहिए त्यागी जी को इस वक्त, बट लेट्स सी जाके चेक करके आती क्या हो रहा है। तुमने भी चलना है चेक करने, क्या कर रहे हैं लोग हैं, कर गए चेक? चलो चलो देख के आते क्या कर रहे हैं दोनों। आजो आजो। मैं नहाने गई हुई थी, यहाँ मैंने काम दिया था कि ये वेदा को सुला दे, पर मुझे लगता है वेदा ने त्यागी जी को सुला दिया। वैसे फिलहाल तो मुझे भी भूख लग रही है तो मैं तो नीचे जा रही कुछ ढूंढने के लिए जब तक ये दोनों उठेंगे। और फिर मैंने वेदा को उसके बर्थडे ड्रेस भी पहना ली। मौसा मासी आए हैं आधी और आधी रात में इसका केक लेके फाइनली, पर मेरी बेटी के लिए तो अब आधी रात होगी है ना, है ना वेदा, है ना? बट कोई बात नहीं, हम काट लेंगे, खा ही लेंगे केक तो थोड़ा थोड़ा। मैं ही खाऊंगा, तुम देखना मेरे को। मैं कहा आएगी तुम लोग भी फाइनली आधी रात को केक लेके आ गए। हाथ धोए? हाँ जी, गीले नहीं, गीले नहीं, इसने सैनिटाइज किया इसने। वो आया गीले हाथ लेके दे सकते। फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई कम होम, मैंने भी धोए, अब मेरे हैंड टॉवल से। और ये चम्मच लाइए इसके लिए बर्थडे गिफ्ट। मैं कहा चांदी का बजट इतना है, चांदी का तो ले नहीं सकती, स्टेनलेस स्टील है तो ठीक है। बढ़िया क्या करेंगे चम्मच का, इसको खाना तो देना नहीं मैंने साल में। जब भी मुझे बहुत क्यूट सा लगा, मुझे लगा इसकी किस्मत चांदी नहीं तय करेगा, ये अपनी किस्मत लेकर आई है नीले जैसी। बात तुमने, वाह, दैट्स व्हाई आई मैरिड दिस गाय। और क्या, ठीक है चलो पकड़ो जाओ। हाँ काम और करके ले जाओ। मैं पनीर का सामान लाता हूँ। चल चल चले। नहीं नो, मैंने भाई तुम्हारे लिए पनीर नहीं बनाना, इतना मैं तैयारी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। वाह मेरी मौज लगी, मुझे सबसे बढ़िया काम मिला वेदा को पकड़ने का। ठीक है भाई, काफी ताने मिले मुझे तो फाइनली हम इसको नीचे ले आई हूँ। छोटी थी ना, छोटी नहीं थी, अब ये की जैसे बड़ी हो गई, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ी तो क्या ही, स्टेबल हो गई अभी तो हम इसको बिग गर्ल हो गए। अब फिर इसमें हमने टायर लगा लिए, पहले मैंने टायर लगाए थे, अब मैं इसको और मैंने इतना बोला था टायर लगाओ टायर लगाओ। अब समझ आया, ब्रेक भी है इसमें, इतना वो कर रही है दीदी। दीदी हमने देखा था पहले भी ये, तुम ही डरी थी या, कि बेबी के लिए सेफ नहीं है क्योंकि मेरे को ये ना कि यहाँ हम ज्यादा टाइम रहते थे, एटलीस्ट इसकी मोबिलिटी। हाँ हाँ इधर बढ़िया रहेगी, इसमें खिड़कियाँ भी है तो फिर बहुत बढ़िया है, एयर के लिए देखने के लिए। रखो रखो इसे, रखो इसे। था तो ये मेरा ही आइडिया कि इसको हॉल में ले जाते हैं, तो आप एग्जीक्यूट करेंगे? वही आइडिया मुझ पे ही भारी पड़ रहा है, मुझे मन ही नहीं इसको छोड़ने का, बट छोड़ना पड़ेगा या ताकि मैं देखूं कैसी दिखती है इसमें। बट इस ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, मुझे मत लो मासी की गोद से। दे दो जाना पड़ेगा हमें, नई चीजें एक्सप्लोर कर ले। रख दी, पता नहीं इसे कैसा लगेगा, देखते हैं इसको झुला के देखते हैं। नहीं मत झुला, चुप रहे अब टाइम आ चुका है दावत से पहले थोड़ी सेलिब्रेशन हो जाए। या ओए अच्छा इन्होंने ये भी दिया है पलटा जैसा, ये देख केक स्लाइस को निकालने के लिए। नाइस नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, लगता है किसी महंगी बेकरी से लाए हो।
महंगी तो नहीं है बट अच्छी जरूर है। ओके ओके ओपन। जब बर्थडे में जाते थे छोटे होते थे तो एक समोसा एक केक का पीस और वो रसगुल्ला मिलता था, उसी में चटनी सारी मिक्स हो जाती थी केक में। वो तो कुछ भी नहीं सार्थक जीजू, कुछ लालची बच्चे तो ऐसे होते थे जो नैंसी जैसे होते थे केक की साइड में उंगली लगा लगा के खा रहे थे, चाट जाना कि फ्लेवर तो पता चले कौन सा फ्लेवर है। जल्दी ऐसी होती थी ना सबको केक की। अच्छा जल्दी खोल जल्दी खोल, कौन सा केक है पता नहीं। ब्लैक फॉरेस्ट नहीं, स्ट्रॉबेरी नहीं, फ्रूट केक। हाँ, अब पूरा देखने के बाद ये खुलेगा कहाँ से डब्बा। वेरी गुड जेन, आई नीड योर हेल्प। तो इसमें वन मंथ तो कहीं लिखाया नहीं तुमने, मेरी लड़की इतनी बड़ी थोड़ी ना ये। यार बेकरी बंद होने वाली थी, इतना मिल गया, खुश रहो उसमें। लीजिए फादर साहब, ये लो वन वन हैप्पी बर्थडे। व्हाई फादर, इट शुड बी मदर। नहीं आई मीन दोनों मिलके कर लो तो उठ जा फिर वहां से। नहीं एवरीथिंग मदर ही है आजकल तो, सब खुद कर लेती है। खुद कर देती हूं मैं सारे काम। माचिस तो मिलेगी कहां से मिलेगी माचिस, पिताओं का भी उतना ही सहयोग होता है। मॉम ये रखो यहाँ पे, बोथ हैंड्स एंड कर इट, बोथ हैंड्स एंड कर इट। हां हूज हैंड, एक दूसरे के फिर आगे तो नहीं पकड़ सकते। नो होल बेरस कैन हैंड्स इन कर इट। ओके सिंग हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू वेदा, हैप्पी बर्थडे डियर वेदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर वेदा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम हेल्दी लेके आए थे सारे फ्रूट्स वाला, वेरी टेस्टी। आई मस्ट से दिस विल कम इन यूज़। आई मस्ट, अबे ये तो बजाई नहीं। बेलचा, ओए बेलचा, ओए विच से वेदा कुछ बोल रही है, विच बता रही है। ये हैप्पी बर्थडे। सो आज है वेदा का एक महीने का जन्मदिन, तो ऑफ कोर्स आप लोग भी अपने सारी गुड विशेस इसको दीजिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद ब्लेसिंग दीजिए, खूबसूरत जैसे हमेशा देते आए हैं। हाँ वैसे ही और ज्यादा दीजिए, बहुत ज्यादा दीजिए। और वेदा भी आपको लव यू टू बोल रही है। यस yes, ये भी सारे आंसर दे रही है यहाँ से। उठ गई लड़की मेरी, आंखें खुल गई, स्थिति बड़ी बड़ी, उठ गई, मेरा केक खा गए। अब इसको केक मिलेगा दूध के तौर में, तो ये केक मैं ही खाने वाली हूँ। हाँ हाँ आप खा पाओगे इतना, इतना सारा तो नहीं बट थोड़ा तो खाऊंगी। चलो तो अब हमारी दावत भी तैयार है। ये और ये है हमारे प्राइज आ चुके हैं। जी जो स्टार्टर पे स्टार्टर लेके आ रहे हैं, मैं कहा यार मेन कोर्स नहीं खा पाएंगे हम, बर्थडे ट्रीट बाय पापा पहले खा रहे। बर्थडे ट्रीट बाय वेदास डैड। या चलो चलो काटो केक और मुझे भी दो बेलचे से। बेलचा है लिटरली। नहीं वो ले थोड़े छोटे ले। ओए वो चम्मच, चम्मच वेदा का चम्मच कहाँ है? वो धोने को ना, फॉर सम मेमोरीज एंड फैमिली पिक्चर्स। ये बहुत बढ़िया फोटो, ये भी चढ़ना, ये तो मैं ही खाऊंगा ना। हैप्पी बर्थडे है ये, ये थोड़े बढ़िया जाएगी ना, फिर आपको भी नहीं खाने देगी। केक कैसा लगा? नीचे केक भी दिखा कितना रह गया। केक हमें लगा बच जाएगा। ये अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर डालेगी। केक क्या है, केक मर्डर ऑन केक इंस्टाग्राम प्रोफाइल में। अभी तो कहीं प्रोफाइल बन गई, इसकी मम्मी की प्रोफाइल चल रही है, फिर बनाएंगे बेटी की बाद में। गाइस सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम पे, तुमको या मुझको, इनको ही कर दो सब्सक्राइब भी फॉलो कर दो। तुम खाओगे? अभी तो नहीं। बताओ भाई, बताओ केक कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया केक वाज, अपने हाथों से बनाया था। बट मुझे तो फ्रूट्स बहुत ही फ्रेश लगे, बहुत आई गेस फॉर जेन एंड हिम देयर विल बी नथिंग लेफ्ट। गाइस जस्ट अटैक, that's why we need to go to square one tomorrow again because it will be one month one day. गुड मॉर्निंग, आज है डे टू हमारा। कल हमने वेदा का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट किया था जिसमें सिर्फ हम चार थे और मेरी फ्रेंड जैन आई हुई थी, क्योंकि वो भी इससे काफी ज्यादा अटैच हो चुकी है। मतलब मैं इसको सुलाई रही थी ताकि मैं इसको यहाँ रख दूँ। कभी कभी ना हमारे कॉम्बिनेशन अनलॉक ही नहीं होते इसके साथ कि ये रो क्यों रही है, इसे डायपर चेंज चाहिए, इसे खाना चाहिए, या इसे इरिटेशन हो रही है। मतलब हम कई बार ना इतना, इससे ज़्यादा तो हम मतलब लाल हो जाते हैं, मतलब पसीने पसीने आ जाते हैं। तो आज इसका रोना सिर्फ इसलिए था, इसे थोड़ी ठंड लग रही थी जो हमारे कॉम्बिनेशन अनलॉक नहीं हो रहा था, बाकी सब कुछ बढ़िया था। तो आज इसको हमने बढ़िया से आज स्वेटर भी पहनाया जो इसकी दादी ने दिया था, और कंबल में भी इसको अच्छे से रख दिया। अब बढ़िया से सो रही है, इसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए बेबी का फेस कब रिवील करोगे, तो
और कि ये तो बता दो एटलीस्ट कि ये त्यागी जी की तरह या मेरी तरह देखने के लिए। चलो इतना तो मैं आप लोगों को बता ही सकती हूँ। इस मतलब मेरा भी बहुत बहुत ज़्यादा मन है कि मैं आप लोगों के साथ इसका फेस रिवील मतलब करूँ, इसकी शक्ल दिखाऊँ आप लोगों को भी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि अभी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस मुझे घर की तरफ से है, दोनों साइड के घर की तरफ से, एक भी नहीं कह रहे कि अभी बच्चा बहुत छोटा है, कुछ टाइम और वेट कर लो, जब इतना वेट कर ही लिया है उसके बाद इत्मीनान से दिखाना जैसे भी जब भी जहाँ भी आपने बच्चा दिखाना होगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, जहाँ इतना किया उतना थोड़ा और सही। और वैसे भी आप लोग इसके लिए इतना प्यार और आशीर्वाद देते रहते हैं, वैसे ही देते रहिए, बहुत जल्द आपके साथ इसका फेस भी दिखा देंगे हम। तो रही बात ये किसके ऊपर दिखती है, तो मुझे तो लगता है कि मेरे ऊपर ही गई है, तो जैसे नैन्सी को लगता है उसके ऊपर गई है, तो त्यागी जी के घर वालों को लगता है त्यागी जी के ऊपर गई है। थोड़े थोड़े फीचर्स है इसके मतलब अलग अलग, जैसे इसके कान फॉर श्योर वो तो त्यागी जी की तरह है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसकी शायद आंखें और जो चिन है वो नैना की तरह है, मेरी तरह है, और जो नाक है और जो लिप्स है वो त्यागी जी की तरह है। तो ये मिक्स एंड मैच है, कॉम्बिनेशन है, रेस्ट आई डोंट नो किसकी तरह है, बट लंबी फॉर श्योर है, क्योंकि डॉक्टर से जब अभी कल आई थी मैं वहां से विजिट से, तो उन्होंने कहा था ये तो कि लंबी जरूर है बाकी बच्चों से, एवरेज बच्चों से, तो ये दिखती भी बड़ी है अपनी उम्र से। वो तो मम्मी के ऊपर गई, मम्मी भी उम्र से तो बहुत बड़ी दिखती है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम छूनन तो है ही, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए नैन्सी ने जाना है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट प्रेप करने के लिए, तो मैं इसे जाने दूंगी थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा ही मेरे लिए अलग से करना है, अपने लिए अलग से। रोहिणी मुझे हमेशा बोलती है नैना मुझे आजकल ज्यादा भूख लगती है, प्लीज मुझे एक्स्ट्रा ही बनाया कर थोड़ा। या मेरा तो पोर्शन साइज ही बहुत बढ़ गया, आप लोग कह रहे हो कि मेरा वजन घट रहा है, मुझे रह रहा है लगता है मेरा तो वजन पता नहीं कितना। ओके, लैक्टेशन के टाइम सबके साथ ही नॉर्मल, पर मुझे डॉक्टर ने कहा आप टेंशन मत लो, ये सारी स्वेलिंग है चली जाएगी। स्वेलिंग नहीं, फैट है, फैट जिस हिसाब से मैं खा रही बोलती है, टेंशन नहीं लेना है, लैक्टेटिंग मदर खाती है, इतना खाती है। मैंने कहा अच्छा तूने देखा नहीं मुझे खाते हुए कितना खाती है। एनीवे तो मैंने इसको जान देती हूँ, अब थोड़ा ब्रेकफास्ट की प्रेप कर लेगी, क्योंकि बेचारों ने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हमने केक पे इतना धावा बोल दिया था, इतना बढ़िया केक था, इतना बढ़िया केक था, मतलब फ्रेश क्रीम फ्रेश फ्रूट्स उसमें, मजा आ गया। मैंने थोड़ा सा इतना टेस्टी केक मैंने तो कभी नहीं खाया, बहुत अच्छा था केक, तो बहुत अच्छा था, 10/10 था केक तो। पर मैंने कहा था छोटा सा कप केक सा लाना, क्योंकि वो रील्स चली ना आजकल 1-2 month बढ़ाना इतना बड़ा केक, बट चलो कोई नहीं। मम्मी कुछ ज्यादा रियलिस्टिक हो रही है, रियल मत देखो इतनी, कर लेंगे थोड़ा सा तो, ताकि जब ये बड़ी होगी कुछ तो होगा दिखाने के लिए, दिखाने के तो खुद ही देख लेगी कहीं से भी ढूंढ के, है ना। चलो ठीक है, मिलती है, क्या पता रोहिणी दिले के चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सारी वीडियोस देख ले। सही बात है, इसको भी सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा जब इसका अपना होगा अकाउंट वगैरह। शी हैज टू, शी मस्ट। सो तुम ब्रेड किसके लिए काट रहे हो इतनी रात को? क्यों बताऊं? बताओ जल्दी बताओ। क्या बोलते हैं उसको, शाही टुकड़ा? शाही टुकड़ा, यस। मेरे लिए है, और मेरे लिए यहाँ पे ये लौकी बनी है, हम तो ये खाएंगे, और यहाँ थोड़ी सी ये मेरे लिए आलू मेथी है, ये इनके लिए सबका आज अपना अपना खाना है, और ये यहाँ पे ब्रेड बनाई है थोड़ी सी चाय टुकड़े के लिए, और ये बनाई है रबड़ी होममेड। चलो बेटी की दावत है हमारी तो आज भी, ठीक है अभी हम खाते हैं फिर मिलते हैं, अभी टेस्टिंग करवाएंगे नैन्सी और रजत से कैसा बनाए, क्योंकि ये गए थे बाहर एक दिन रेस्टोरेंट में, वहाँ तो इन्हें पसंद नहीं आया, तो ये कहता मैं तुम्हें घर पे खिलाऊंगा, तो आज घर पे बन रहा है ये रहा, वाह। और ये लीजिए, काजू बादाम अच्छा, हमारे पास वो सैफरन नहीं रहा क्योंकि वो फ्रिज में ही गिर गया था सारा, बट एनीवे इन लोगों को टेस्ट कराते हैं अपना शाही टुकड़ा, टेस्ट करके बताइए। कोको आज तू भी टेस्ट कर ले थोड़ा, आ जा कोको टेस्ट कर ले, ये लो दीदी लेके खाऊंगी कैसे, एक हाथ से। वेयर इज योर हेल्पिंग हैंड, हस्बैंड कम अपनी वाइफ को खिलाओ, खिला रहा हूं मुझे तो कोको, कोको इसे खाने से पीछे हट गई। ओ भाई गरम है, गरम है, गरम है। तो क्या आप चाहते हो कि इसको जलाऊं मैं? नहीं इसको नहीं जलाना, बस खिला ताकि मैं रिव्यू ले सकूं कैसा है। अच्छा हां, पहले खुद ही खा ले, तू तो खा लेगा इतना गरम मेरे खाता, नहीं तुझे तो गरम बिल्कुल ही पसंद नहीं। खैर नहीं नहीं, रजत गर्मा गर्म चीजें खाता है, रोटी नहीं खाता, सिर्फ बहुत गर्म अभी। फिर बताइए जरा उस दिन कही थी वो अच्छा था कि ये अच्छा है? नहीं बताना मत बता। ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा बढ़िया,
मीठा क्या हिसाब का लगा है? वाह, हिसाब मतलब ज्यादा की कम है? बहुत बढ़िया, परफेक्ट एकदम, बहुत ही बढ़िया। ले तो फिर डिनर के बाद खा लेना। इस पे सिल्वर नहीं डाला आपने? वो लाना पड़ेगा, थोड़ा गोल्ड और सिल्वर पहले खरीद के तब डालेंगे हम। स्वाद है कोको, तेरे को भी चाहिए? तुमने खुद खा के देखा है? ना खुद नहीं खाया, खुद खाऊंगा अभी। मेरी छोटी बेटी यहाँ आ गई, नीचे मेरी बड़ी बेटी, दोनों का एक ही पार्ले में हो जाता है हमारा काम। मम्मी भी इधर ही सो जाए या जगह तो काफी हो सकता है। तुमने भी आना है, एडजस्ट होना तुमने भी हमारे साथ है। कोको, कोको कैसा लगा बेटा पालना? अच्छा है, ये बढ़िया है। सबके नया पावर चले हुए यहाँ पे, इंक्लूडिंग हिम। आके बंदे की खुली। अब ये लोग भी सो चुके हैं तो मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, टेक केयर, बाय।